जा रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट है तो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा उसके लिए। तो बस इसलिए थोड़े रेडी भी हो चुके हैं क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए ना उधर, इसलिए। चले तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम यहाँ पर और चलिए मीटिंग अटेंड करते हैं। और बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि ये ऐसी मीटिंग है कि वो हमारा पूरा क्या कहते हैं, हमारी पर्सनालिटी उसके आप पूरा चेंज कर देता है। देखिए अगर किसी को शादी में पता सा चाहिए तो यहाँ पे पटेल में मिल जाएगा। इंडिया में तो मिलता है कि नहीं वो पता नहीं, पर यहाँ पे मिल जाएगा आपको सब कुछ। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त। और ये टनाटन होकर जा रहे हैं जॉब पर। और ये देखिए संडे की सुबह कुछ इस तरीके से मेरे पीछे से जो निखार आ रहा है, तो बस दर्शन कर लीजिए सूरज दादा के और सबका दिन अच्छा रहे ऐसी शुभकामनाएँ रखते हैं। तो बस सर सॉरी सारा पीछे शुरू हो गया, बस तो अब निकल रहे हैं जॉब के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं जॉब पर, आज का काम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आकर आपसे। आकर फिर कहीं जाना भी है तो आपको लेकर ही चलेंगे, ऐसे तो जा नहीं सकते हम। तो चलिए फ्रेंड्स बाद में मिलते हैं। और आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देते हैं, जो मॉर्निंग का सुबह सुबह जो खूबसूरती होती है जो कभी कभी हम फील करना भूल जाते हैं, तो आज आप मेरे थ्रू वो थोड़ा सा फील कर लीजिए। I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, now I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think. तो फ्रेंड्स ये बस आफ्टरनून हो चुका है और आ गए हम घर और मस्त फ्रेश हो गए हैं। तो बस फ्रेशनेस के साथ आधा दिन अभी देखते हैं कैसा रहता है। और अभी चाय नाश्ता करने बैठते हैं, चाय नाश्ता के बाद हमें कहीं जाना भी है आज। तो चले जल्दी से वो काम ख़त्म करके फिर निकलते हैं। और बहुत ही अच्छी वाली धूप निकली आज वापस, और विंडी का तो वो अभी चलता ही रहेगा, अभी ये टाइम पर रहेगा। चलो अच्छे से। और ये देखिए हमारे गलगोटा भी मस्त, देखते हैं। अब ये छुट्टी में, कल छुट्टी है तो कल फाइनली छुट्टी के दिन आराम से, कल फाइनली जनक की भी छुट्टी रहेगी तो बस कल हम दोनों एंजॉय करेंगे मस्त अच्छा सा। बहुत दिनों के बाद शायद हम साथ में एक छुट्टी का दिन आ रहा है हमारा, क्योंकि वो लास्ट वीक भी पूरा वीक गए थे। पर चलिए देखते हैं। और आज का डिनर का एक्चुअली, और हर वक्त मैं डिसाइड कर रख सकती हूँ कि आज डिनर में क्या बनाना है, लंच में क्या करना है, आज कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो देखते हैं अभी चाय नाश्ता करते करते कुछ डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। कुछ इजी ही करूँगी ताकि मस्त शांति से ख़त्म हो जाए, थोड़ा हार्ड वर्क ना रहे और थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ एंजॉय किया जाए। हाफ डे है तो हाफ डे भी एंजॉय कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर और बाद में देखते हैं, अगर कल कर पाए ना तो अच्छा है। कल फिर हम मंदिर के बाद तुलसी के लिए जाने वाले थे, जो दूसरा मंदिर है ना राजधानी मंदिर, वहाँ पर फिर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हमें वहीं से स्वामीनारायण मंदिर से निकलते निकलते ही 8:30 के ऊपर हो चुका था तो फिर हम नहीं गए। तो देखते हैं अभी जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब दिखाएंगे, थोड़ा जल्दी निकल के जाना पड़ेगा तो ही। और ये देखिए ये बैठ गए हैं, श्री कृष्णा विराजमान हो गए हैं। यस, पति देव जी विराजमान हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चाय नाश्ता कर लेते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद वापस निकलना है। और ये देखिए हमारी ग्वाकामोली भी रेडी है। तो ग्वाकामोली खाने में बहुत ही मजा आता है। मैं तो यहाँ आया उसके बाद ही उसका फैन हो गया। जनक को बहुत पसंद है, वो वही खाते रहते हैं। मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए इनके गुनगुरे बाल भी, गुनेरे, हाँ सॉरी गुनेरे बाल भी कितने मस्त मस्त हो गए हैं। वाओ, चलिए तो फ्रेंड्स चाय नाश्ता कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स चाय नाश्ता करके अभी हम जा रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट है तो
थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा उसके लिए, तो बस इसलिए थोड़े रेडी भी हो चुके हैं क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए ना उधर, इसलिए तो चलिए चलते हैं और अपॉइंटमेंट अटेंड करते हैं और कैसा रहता है वो, तो बन रही है आप, होप सो अच्छा रहे। चलिए तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम यहाँ पर और चलिए मीटिंग अटेंड करते हैं, और बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि ये ऐसी मीटिंग है कि वो हमारा पूरा क्या कहते हैं हमारी पर्सनालिटी उसके आप पूरा चेंज कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स आ गए हैं हम, समझ गए होंगे आप कहाँ पर। They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hi. तो बस फ्रेंड्स निकल गए हैं हम हमारे हेयर कटिंग करके, तो देख ही लिया होगा आपने कि हमारी मीटिंग कैसी रही, तो बहुत ही काम सक्सेस मीटिंग सक्सेस रही हमारी। आपने देख लिया कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी फ्रेंड्स, तो मैंने सच कहा था ना ऑफकोर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हेयर कटिंग, क्योंकि हेयर कटिंग है ना हमारी पर्सनालिटी चेंज कर सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है वो कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा पहले जो जनक की पर्सनालिटी थी जिसने हेयर कटिंग किया था तब उनकी पर्सनालिटी कैसे बदल गई थी, तो बस इसलिए वो पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है, सॉरी हेयर कटिंग पे डिपेंड होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो चलिए बस मेरा तो नहीं कर पाई, मेरा करने के लिए तो बहुत सर्च करना पड़ेगा मुझे, तो नहीं लास्ट टाइम करवाया था ना वो भी अच्छा था, पर अभी नया नया ट्राई करना चाहिए कुछ अच्छा सा, तो देखते हैं अभी कौन है वो छुपे डुबे। तो चलिए बहुत गर्मी लग रही है, तो जी हेयर कट करके अभी पटेल में आ गए हैं हम, तो पटेल में एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिली है तो वो तो आपको दिखाना बनता ही है। देखिए अगर किसी को शादी में पतासा चाहिए तो यहाँ पे पटेल में मिल जाएगा, इंडिया में तो मिलता है कि नहीं वो पता नहीं, पर यहाँ पे मिल जाएगा आपको सब कुछ, और यहाँ पे शोध खोज चल रही है। हाँ तो फ्रेंड्स हम सिर्फ बन लेने आए थे कि सोचा कि चलो अभी आज डीलर में कुछ नहीं है तो पहले बन ले लेते हैं, आपको दिखाता हूँ बन में कितना महंगा पड़ा। तो देखिए ये पूरा ये बैग भर गई है, ये ऊपर से अलग है सब, ये अंदर कुछ अलग से पड़ा है, तो जी फ्रेंड्स बन इतना महंगा पड़ेगा वो सोचा नहीं था मैंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में, पर ये महंगा पड़ गया तो अभी पड़ गया, अभी इसका क्या कर सकते थे। ये देखिए ये सब इनकी बदौलत, ये सब इनकी बदौलत, ये भी ले ले वो भी ले ले ये भी ले लो। हाँ तो वो देखो ग्रोसरी स्टोर आते हैं ना तो वो होता ही है, कितना सारा हाँ, कितना तो, हाँ तो वो हो ही जाता है। बाप रे हाँ तो पाँव ले आवाज आ जाती है दाढ़ी से पे। चलो तो ये आगे रख देता हूँ। फ्रेंड्स घर आकर 8:30 हो गए और अभी हमारी तैयारी हो रही है, आज डिनर पे स्पेशली बन रहा है हमारा वेज कबाब। वेज कबाब यस, सब्बे नहीं सब्बे तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम इस बार ये वाले बन लाए हैं। हाँ ओ हाँ हाँ भाई अभी तो कोई बहुत ही ज्यादा स्टाइल मारने वाला है, ये देखिए आप इनकी स्टाइल कैसे कैसा लुक लग रहा है इनका, आ जाइए अभी कोई बहुत स्मार्ट लग रहा है ना स्मार्ट बॉय। चलिए ये तो उनकी स्टाइल मार रहे हैं, अभी मुझे लग रहा है मेरा भी जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा हो गया है अभी,
तो मैं भी वो तलाश में हूँ, अगर कोई अच्छा किसका सा ज्यादा हो गया है आपके बालों का कि मेरा, आप किसको सुना रहे हो? कोई ने कहा कोई हम लोग मैं हमारा वार्ड नहीं बात करी है ना 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 तो आज मौके पे चौका मार दिया इसने। कोई मौके पे चौका नहीं है, ये देखिए फ्रेंड्स ये है हमारी ये वेज कबाब। आ गया कबाब तेरा, आ गया कबाब ये हरा भरा, ओ सॉरी हाँ ये हरा भरा कबाब है और ये वेज कबाब है, शामी कबाब। यस तो बस आज बर्गर जैसा लेने में आएगा लंच में, सॉरी डिनर में। वो चीज़ तो आपने काटी नहीं, चीज़ काटो ना, चीज़ भूल गए, ऐसा होता है फ्रेंड, बाद में याद आता है क्या डालना है वो भी। और आज स्पेशली नवरात्रि की खुशी में मैंने बना दी है सुखड़ी, ये देखिए सुखड़ी भी रेडी। आजकल बहुत फॉर्म में चल रहे हैं तो बस सुखड़ी भी रेडी। तो अभी ये पूरा वीक कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये वीक में हमारा थोड़ा फास्ट ज़्यादा होने वाला है, तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा सा फ्रूट्स लेने में आएगा, आधा हफ्ता फास्ट में जाने वाला है ना, इसलिए तो ग्वावा भी ले आए हैं, ये देखिए मस्त वाले। तो ग्वावा ले आए, एप्पल भी है, और हमारी ये साल की पहली कैरी की सीजन शुरू, तो मैंगो हम ले आए हैं। यस ये देखिए फ्रेंड्स पूरा हम ऐसे खाएंगे भी ऐसे, ये देखिए पूरा आम का बॉक्स आ ये चुका है, सिर्फ मेरा है, हाँ तो मैं खा जाता हूँ, कोई बात नहीं हम तो आपकी खुशी में ही, कोई बात नहीं आप खाना, हम खुश हैं साथ खाएंगे, हम आपके संग है, हम आपके संग है, तो फिर क्या ही बताएं हम। और ये देखिए ये साइज देखिए, चलिए फिल्मी बात ज्यादा हो गई है, खाना तो चाहिए ही चाहिए, अकेले क्या खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। हाँ अकेले के लिए थोड़ी लाए हैं। हाँ तो बस मैंगो अच्छी है, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है देखने में तो, और ये वाली ही अच्छी आती है, वो दूसरी जो मोटी मोटी वाली आती है ना बड़ी वाली, वो ज्यादा नहीं पसंद हमें, तो ये वाली लाए है। तो बस अभी तो लोटे और पटेल पटेल सब में ही मिलना शुरू हो गया है, और ये जो वाली होती है ना ये बॉक्स आई थिंक 12 या 13 डॉलर का होता है, तो हमारे भी शायद 12 या 13 में ही आई है, राइट उतने में ही है, तो उतने डॉलर में आ चुकी है ये। तो हमारी ये सीजन की पहली आम हम चैत्र नवरात्रि पे शुरू कर रहे थे। यस तो चलिए फ्रेंड्स अभी कल तो है छुट्टी, तो कल अच्छे से उठने में आएगा पहले, फिर शांति से थोड़ा आरती पूजा वो सब होगा क्योंकि नवरात्रा है, और कल ही सुबह हमें थोड़ा सा अच्छे से करने मिलेगा। तो बस जैसे ही कल हमने सत्संग में भी आपने व्लॉग भी देख ही लिया होगा कल का, कि बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये सैटरडे एडवांस में, ऑफकोर्स एडवांस में तो किया ही है, पर उस दिन भी स्पेशली है 8 या 8:30 बजे रखा है रामनवमी के दिन, तो उस दिन भी है वेनसडे को, तो देखते हैं क्या करते हैं, पर उस दिन भी रखा है उन्होंने, तो हम जाएंगे शाम को। और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, मतलब मस्त। और हमारा रामनवमी का जो कल सेलिब्रेशन हैप्पी बर्थडे टू यू किया था हमने भगवान का, तो ये देखिए प्रसादी भी में भी दिया है पंजरी, तो थोड़ा सा टेस्ट तो कल ही लिया था क्योंकि प्रसाद था, तो उसी दिन हमें थोड़ा खा लिया था। पंजीरी बहुत पसंद है। हाँ मस्त। तुम्हें कितनी पसंद है? पसंद है प्रसाद तो ऑफ कोर्स पसंद आता ही है। नहीं पर ऐसे तो, खाने में कितना पसंद है? नहीं मैंने ऑलवेज प्रसाद को प्रसाद की तरीके से ही खाया है, टूट नहीं पाई है मैंने। टूटने की बात नहीं है, टूट मैं टूट सिर्फ प्रसाद में एक ही चीज पर पाती हूँ। नो दो चीज पर सॉरी, सबसे ज्यादा प्रसाद मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एक सिद्धि विनायक का, जो लड्डू आते हैं ना वहाँ के मोती चूर के जो लड्डू आते हैं जो सॉफ्ट वाले, वो मेरे बहुत फेवरेट है सिद्धि विनायक मंदिर के। और दूसरे मेरा प्रसाद फेवरेट है श्रीनाथ जी का, जो ठौर में दिया जाता है, जो ठौर दिया जाता है श्रीनाथ जी के प्रसाद में, तो वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। अंबाजी माँ नहीं है, श्रीनाथजी माँ ठौर में, अंबाजी माँ तो आपने क्या प्रसाद है, पास 8 तारीख में हाँ तेज ने 8 सुखड़ी केव हुई है, હા એટલે એવું જ એમ એ ટાઈપનું નહીં, પણ આ મને વધારે પસંદ એમ, ઓકે કેમ કે મેં પહેલા જબ છોટી થી તબ મેં શ્રીનાથજી વાળા પ્રસાદ સ્પેશિયલી
ऐसे भी लेकर खाया करती थी तो अच्छा। हाँ बहुत, तो वो दो चीज पर मेरी थोड़ी टूट पड़ती है, प्रसाद की तरह से नहीं खाती मैं बस। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे से खुशी से, और बस नवरात्रा का ये छठा दिन भी खत्म हो गया। कल है सातवां दिन, कल सातवां दिन राइट, नहीं कल छठा दिन, आज पांचवा दिन खत्म हुआ, कल छठा दिन है, सिक्स्थ डे, यस सिक्स्थ नवरात्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, मस्त नवरात्रि के भजन सुनिए, गरबा करिए, और मस्त देखते हैं हम भी आठम का गरबा खेलेंगे कुछ माता जी के आरती के साथ, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे, आप भी अपने घर पे कर सकते हो, बस घर घर के वाले थोड़ा कर दीजिए, अच्छा रहता है, माता जी भी खुश हम भी खुश। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग का एंड भी करते हैं, मैं ज़्यादा खींच रही हूँ अभी ये, तो बाद में यहाँ से कुछ आए उससे पहले हम व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल वापस ऐसे ही खुशी के साथ, और एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।